कोरोना महामारी के चलते लोगों में लगातार खौफ बना हुआ है और अब जब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में लोगों को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना काल में मिठाइयों को कुछ इस तरह बेहतर बनाया जा रहा है जिससे वो ना सिर्फ स्वादिष्ट होंगी बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करेगी। वडोदरा की स्वीट शॉप पर नजर डालिए, यहाँ कोई मिठाई नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने वाले लड्डू मिल रहे हैं। ये लड्डू कोरोना वायरस को मात देने के लिए तैयार किए गए हैं। हमारे वडीलों ने जिस तरह से हमें बताया है और उनकी औषधि थी और उनके बताए अनुसार की तरह हम जो जो चीज़ जैसे सूंठ, मरी, तज, लविंग, इलायची और ये सब चीज़ों का ही उकाड़ा पीने को बोल रहे हैं, तो हमने वही चीज़ को और वही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके इम्यूनिटी लड्डू बनाया है। उसमें ऑर्गेनिक गुड़ है जो केमिकल वगैरह का है और गाय का घी है और यही सब चीज़ों से ये इम्यूनिटी लड्डू बनाया है। ज़्यादातर लोग बच्चों के लिए ये हमारी मिठाई यूज़ करते हैं और नदी के रक्षाबंधन भी आ रही है तो हर बहन अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती ही है और मुंह मीठा कराने का तो रिवाज ही है, तो यही पेंडा और बर्फ़ी या हमारी स्वीट लेके बहन भी अपने भाई को वेलविश का आशीर्वाद दे सकेगी। कोरोना वायरस के दौर में ये मिठाई काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है क्योंकि आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है और ये मिठाई भाइयों के लिए मददगार साबित होंगी। हम लोग को पता है कि अभी जो संक्रमण में हम लोग जो फंसे हुए तो उससे सब लोगों को ह्यूमिनिटी पावर की सबको अधिक ज़रूरत है और सभी बहनें भी यही चाहेगी कि अपने भाइयों की ह्यूमिनिटी पावर बढ़े, तो इसी के लिए हम लोगों ने भी यही तय किया कि भाई इस साल कुछ और नहीं परंतु ऑर्गेनिक और अच्छी सी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाए ऐसी मिठाइयाँ उपयोग करें। पहले ट्राई किया था तो मुझे इतना अच्छा हेल्दी भी लगा और बहुत टेस्टी भी लगा, इसीलिए मैंने स्पेशली रक्षाबंधन फेस्टिवल के लिए ही यहाँ से आज खरीद के लिए आई हूँ। कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता बढ़ गई है और ऐसे में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली इस मिठाई से आने वाले त्योहारों की रौनक भी बढ़ जाएगी। रक्षाबंधन के बाद त्योहारों की झड़ी लग जाएगी लेकिन कोरोना वायरस के नियमों का पालन करना तब भी बहुत आवश्यक होगा। त्योहारों की धूम में अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना मत भूलिएगा। वडोदरा से वशिष्ठ शुक्ल की रिपोर्ट, गुजरात तक।